मैं यशवंत देशमुख बोल रहा हूं। यस सर। हमारा काम हो गया है। विजय श्रीवास्तव यहां से जेल के लिए निकल चुका है। बाकी तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो जलाल साहब की मर्जी से बाहर गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जलाल साहब से पूछ लीजिए, वो आ रहे हैं जलाल साहब। जलाल साहब, इन्हें जरा सच्चाई बता दीजिए। बंद कर दो इसे। रामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता, ये खेल तू मेरे साथ क्यों खेला? क्यों खेला? क्यों खेला? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। You bastard! कहा था ना कि तू मेरा खून पिएगा। तू तो मेरा खून नहीं पी सका, लेकिन मैं तेरा खून जरूर पीऊंगा। साथ में उस कमीने देशमुख का पेशाब भी पी लेना, जो कानून की आड़ में तू जैसे कुत्ते से अपना काम करवा रहा है। क्या क्या बोला तू? मुझे पेशाब पिलाएगा है? शमशेर सिंह, क्यों इतनी गर्मी खा रहे हो शमशेर सिंह? वैद्यों का कहना है कि पेशाब पीने से सेहत हमेशा अच्छी रहती है। क्या? एक्सक्यूज मी सर, नो फोटोग्राफ्स प्लीज। क्या आप बता सकते हैं ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट बताकर थोड़ा ही होता है। सुना है ये एक्सीडेंट आप ही ने करवाया है ताकि मजदूरों पर पैसा पानी की तरह बहाकर आप उनकी वाहवाही जीत सके और फिर ऑल इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन का इलेक्शन जीत सके। मैं अपने मजदूर साथियों को हार कर कुछ भी नहीं जीतना चाहता। तो कौन हो सकता है वो आदमी? मेरा लेटर कहाँ है यार? इसी लाइटर की तलाश थी ना? जिसकी मुझे तलाश थी वो तो खुद मेरे पास आ गया। अब तू बचकर नहीं जाएगा। कसम अंगूर की बेटी की, आज मैं तुझे पी पी कर मारूंगा। शराब पीने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। Yeah.
चलो। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उतारो भाई उतारो, आराम प्रताप। क्या है? ये वही आदमी जो उस दिन बापू से मिलने आया था। हाँ, मैं वही आदमी हूं जिसने तेरे बाप को शमशान घाट तक पहुंचाया। अब तुम दोनों की बारी है, क्योंकि चतुर सिंह ने एक कसम खाई है कि तुम दोनों की चिता की राख से वो तिलक लगाकर ही भोजन करेंगे। ये रही तुम्हारी चिता। फिर देर किस बात की है? चलो बड़े बेटे से ही शुरुआत करो। कहो क्या खातिर करूं आपकी? तो आप ही हैं रामू दादा? हाँ, जब जवान था लोग बाबा कहते थे, अब बूढ़ा हो गया ना दादा कहते हैं। गोपी का अरे गोपी साहब बुला रहे। हाँ साहब। तुम भी अच्छे से समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ। गोपी कहाँ है? इस मोहल्ले में और भी कोई गोपी है क्या? नहीं है। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। जब तक गोपी नहीं आ जाता तुम वहीं रहोगे। चलो। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अपन के बाप को इस बस्ती से उठा कर ले जाए। मजदूर हुआ, नाइट ड्यूटी से आ? ऐसा गोपी का हाथ उठ जाएगा तो रुकेगा नहीं। उठा, अगर हिम्मत है तो उठा हाथ, उठा। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये मेरा हुक्म है। मैं देखना चाहता हूं कि साले में दम कितना है। तो शुरुआत कर ही दी तूने। नहीं, जब दो शेर लड़ते हैं तो कुत्ते दूर से भौंकते हैं। लड़ बाप लड़, चल भेड़। भेड़।
राम, मैं पहले तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूं। ये ले। तुम अपने आप चलकर मेरे पास आती हो या मैं इस हरामी की लाश पर चलकर तुम्हारे पास आऊं? इस हरामी की लाश पर चलकर तुम्हारे पास आऊं? मिला नहीं था तो मां की कोख के साथ साथ मां का प्यार भी देता। मेरे माथे पे मेरे बाप का नाम तो लिखा होता। मेरे नाम क्या विजय, क्या हुआ? विजय बेटा, विजय, क्या हुआ? उठो, उठो विजय।